Welcome to our YouTube channel Pathfinder Classes. This is Kumar Deepakaran and today we are going to answer all the questions of the first lesson, the Pace for Living of Class 10th Bihar Board. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि इसको संक्षेप में आंसर देना है स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले. राइटर जो है वो मतलब कि नाटक कहाँ देखा, यानी कि राइटर नाटक कहाँ देखा. तो आंसर है इसका द राइटर वॉच द प्ले इन डब्लिन, यानी राइटर ने, ठीक है, लेखक ने प्ले को डब्लिन में देखा. दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले. नाटक में मुख्य कैरेक्टर के माने इसमें कौन है, चीफ कैरेक्टर कौन है इसमें, ठीक है. तो है यहाँ पे इन द प्ले द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ आयरिश कंट्री टाउन, यानी कि नाटक में चीफ कैरेक्टर एक मतलब कि बुढ़ा सा यानी कि मक्के का व्यापारी था जो कि आयरिश कंट्री टाउन में रहता था, ठीक है. आयरिश कंट्री टाउन का एक बुढ़ा सा, ठीक है, यानी कि प्रौढ़ मक्के का व्यापारी था मुख्य कैरेक्टर नाटक में. डज द राइटर डिज लाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड. क्या जो राइटर है वो हर एक क्षेत्र में जो तेज गति है उसको पसंद करता है. तो नो द राइटर डिड नॉट डिज लाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड. नहीं, राइटर जो है ना वो मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र में जो रैपिड मूवमेंट है उसको मतलब कि डिजलाइक नहीं करता है. नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा, यानी राइटर जो है वो सिनेमा में किस सिचुएशन में आप अपने आप को पाता है. तो यहाँ पे इसका आंसर है इन सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग, यानी सिनेमा में राइटर अपने आप को एक होपलेस फॉग में पाता है, ठीक है. एंड इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म, और फिल्म को मतलब कि फॉलो करने में अनेबल होता है. कहने का मतलब ये है कि फिल्म के साथ साथ वो मतलब कि नहीं चल पाता. मतलब ये है कि फिल्म जितने तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है, उतने तेजी से मतलब कि नहीं समझ पा रहा उसको, ठीक है. हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ अ थिंकर, यानी जो राइटर है वो अपने आप को किस तरह का मतलब कि थिंकर समझता है, यानी कि क्लासीफाई किया अपने आप को. द राइटर वाज क्लासीफाइड हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, यानी कि जो राइटर है वो अपने आप को मतलब कि एक स्लो थिंकर कि जो ट्राइब होती है उसका मेंबर समझता है, यानी कि मंदबुद्धि के ट्राइब यानी जाति वाला एक मेंबर है वो. अब भाई यहाँ पे मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है. राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंसेज मतलब लिखनी है. द कॉर्न मर्चेंट वॉज एन एल्डरली मैन, कॉर्न मर्चेंट एक एल्डरली मैन था. ही वॉज एंग्जियस ड्यू टू द करेंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, वह मतलब कि लाइफ की जो मतलब कि फास्ट ट्रेंड जो थी ना, ठीक है, वह उससे मतलब क्या चिंतित था. ही वॉज अ स्लो पर्सन, वह मतलब कि एक धीमी मंद बुद्धि का इंसान था. हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो मतलब कि नेफ्यू था उसे चीट कर रहा था. हिज वाइफ वाज एक्स्ट्रावेजेंट, उसकी वाइफ खर्चीली थी, ज़्यादा पैसा खर्च करती थी. शी बिलीव्ड इन स्पेंडिंग 10 ऑन अ हॉलीडे, यानी कि वो मतलब कि लगभग 10 जो है ना, ठीक है, 10 रुपये जो है ना, यानी कि आयरलैंड की एक करेंसी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला. तो वो 10 मतलब कि एक हॉलीडे पर खर्च करने में विश्वास रखती थी, यानी कि वो खर्च करती थी. इन शॉर्ट वी कैन से डैट द पेस ऑफ लिविंग वाज टू मच फॉर हिम. संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो उसके जीने की जो गति था वो मतलब कि उसके लिए बहुत तेज था. सो ही वाज एंग्जियस, इसलिए वो चिंतित था. सेकेंड है दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ डैट्स टू फास्ट, व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टूडे. यानी क्वेश्चन यह है कि लोग कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि अब मतलब कि 1000 माइल जा रही है घंटे में, अब ये जो है ना कि बहुत मतलब फास्ट है. तो मतलब कि व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे, यानी कि आज के मतलब कि जो फास्ट लाइफ है उस पर मतलब कि जो राइटर है वो कौन सा रिमार्क मतलब डालना चाहता है.
तो यहाँ पे है द स्टेटमेंट इनलाइट्स डैट द पेस ऑफ लिविंग हैज बिकम सो फास्ट टूडे डैट द ग्रोन अप पीपल एंड ही हु इज स्लो थिंकर आर अनेबल टू कन्फ्रंट विद इट। यानी कि ये स्टेटमेंट है ना, वह मतलब ये प्रकाश डालता है कि जो लाइफ की जो गति है वो मतलब कि इतनी तेज हो गई है कि जो मतलब कि अभी के जो लोग हैं ग्रोन अप बढ़े हुए लोग हैं एंड वो जो मतलब स्लो थिंकर हैं वे दोनों जो है ना इसको मतलब कि सामना करने में ठीक है अनेबल है। ठीक है, इट इज द लाइफ ऑफ मशीन्स। अभी जो है ना मतलब कि मशीनों की मतलब कि लाइफ हो गई है टुडे टू विच ग्रोन अप पर्सन कैन नॉट स्ट्राइड। मतलब जिसको मतलब कि जो पर्सन है ठीक है वो इसको उसके साथ मतलब नहीं चल पा रहे हैं। एल्डरली फील दैट पेस फॉर लिविंग टुडे इज नॉट सुटेबल फॉर मैन। और जो मतलब कि प्रौढ़ आदमी है ठीक है वो समझते हैं कि जो अभी जो पेस फॉर लिविंग है यानी कि जीने की जो गति है आज वो आजकल वो मतलब कि उनके आदमी के लिए सुटेबल नहीं है, ये बहुत ही फास्ट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर लाइक। यानी कि अभी जो हमारे पास किस तरह की एक्साइटमेंट है जो कि मतलब कि हमारे एंसेस्टर के पास नहीं था ये। ठीक है, इट इज एन एडवांटेज ऑफ और डिसएडवांटेज। यानी कि यह एक मतलब एडवांटेज हमारे लिए कि फिर ये डिसएडवांटेज हमारे लिए। टुडे वी हैव एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ। यानी अभी हमारे पास ना मतलब कि फास्ट गोइंग लाइफ का ठीक एक्साइटमेंट है। We can enjoy different experience and pleasure in a short time today. यानी कुछ ही समय में ठीक कुछ छोटे समय में हम लोग मतलब कि बहुत ही मतलब कि अलग अलग तरीके के experience और मज़े ले सकते हैं। Our ancestors had no excitement in their life. यानी कि हमारे जो ancestor थे वे मतलब कि उनके अपने अपने life में मतलब उनकी कोई excitement नहीं थी। They were contented with that what they had already with them. यानी कि वे उसी चीज़ से संतुष्ट थे जो उनके पास पहले से मतलब कि थी। they did not aspire for a pacey life. यानी कि वो मतलब कि pacey life को वे मतलब कि pacey life को यानी कि जो ज़्यादा गति वाली जो लाइफ है उसको नहीं चाहते थे वे। ठीक है, और फॉर गेटिंग समथिंग मोर एंड मोर और ज़्यादा मतलब नहीं चाहते थे वे। द एक्साइटमेंट वी फील टूडे इज नीड ऑफ टाइम। यानी कि अभी जो हम लोग एक्साइटमेंट हम लोग फील करते हैं उसमें समय की जरूरत है। विदाउट इट वी कैन नॉट डू टूडे, इसके बिना हम लोग आज नहीं कर सकते। बट गेटिंग टू फास्ट मच एक्साइटेड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो अभी हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं ठीक है तो ये मतलब कि ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है। सो इट इज अ डिसएडवांटेज, तो इसलिए यह मतलब इस तरह से डिसएडवांटेज भी है। तो एक तरह से यहाँ पे एक एडवांटेज है और यहाँ पर दूसरा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर दे स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टूडे। यानी कि स्लो थिंकर्स मतलब कि इन्हें समझा जाता है और वे कैसे मतलब कि आजकल वे हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे स्लो आवर एंसेस्टर्स और देयर माइट बी सम ट्राइब्स हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे और कुछ मतलब की जो जातियाँ हैं ठीक है वो मतलब कि स्लो थिंकर समझी जाती है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट कम्पीट इन रेस ऑफ लाइफ टूडे। यानी कि जो स्लो थिंकर्स है वो मतलब कि आजकल के लाइफ की जो रेस है उसमें मतलब कम्पीट नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। बिकॉज एवरी थिंग इज रनिंग फास्ट, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो तेजी से चल रहा है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट गेट दे आर लिविंग इन टूडे लाइफ। और जो स्लो थिंकर्स हैं वे आज के लाइफ में वे अपनी ठीक है लिविंग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो मतलब रोजी रोटी है। द स्लो थिंकर्स आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। यानी कि जो स्लो थिंकर्स है वो मतलब कि निश्चित रूप से उनको सबसे कम मार्क्स मतलब आएगा ठीक है कोई अगर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए तो। बिकॉज ऑल दिस टेस्ट टूडे आर डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ आवर टाइम। क्योंकि जो ये जी क्योंकि आजकल के जो टेस्ट है ठीक है वो ऐसे डिजाइन की गई है ताकि मतलब कि वो दिमाग की गति को ना मतलब कि माप सके मोर देन एनीथिंग एल्स किसी और चीज से। ठीक है, सो सच स्लो थिंकर्स आर टेकन टू बी हैंडीकैप्ड, इसलिए जो स्लो थिंकर्स है उनको मतलब कि हैंडीकैप्ड समझा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ। यानी कि किस प्रकार की जो एनलाइटमेंट है ठीक है वो राइटर जो है अपने वाइफ से मतलब कि खोजता है। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। तो
आधुनिक आदमी की किस दुर्दशा के बारे में यह सजेस्ट करता है। तो द राइटर इन द लेसन सिक्स से एनलाइटमेंट फॉर द सीन्स, जो राइटर है ना, मतलब कि लेसन में बताया गया है कि वो सीन के बारे में, मतलब कि सीन कैसी है उसके बारे में वो जानकारी चाहता है, यानी कि सीन समझ नहीं पाता उसको फिल्म का, मूवी नाटक का, ठीक है। एंड कैरेक्टर्स इन द फिल्म, और जो मतलब कैरेक्टर्स हैं फिल्म में उसको नहीं समझ पाता है। व्हाट इज ही इज वॉचिंग विद हिज वाइफ, जो अपने मतलब कि वाइफ के साथ वो देख रहा है। ही इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म, वो मतलब कि फिल्म को फॉलो करने में अनेबल होता है। सो ही सीक्स एनलाइटमेंट फॉर हर फ्रॉम हर, इसलिए उससे वो मतलब की जानकारी चाहता है। सच अ मैन, मतलब एक ऐसा आदमी, एज द राइटर इज, एक मतलब जैसा राइटर है, टूडे इज कंसिडर टू बी हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, तो जैसा मतलब कि राइटर है वैसा इंसान जो अभी मतलब कि उसको हैंडीकैप्ड समझा जाता है आजकल के मतलब कि दिनों में, ठीक है, उनको एक मतलब कि लिविंग पाने के लिए कहना मतलब ये है कि रोजी रोटी उनको नहीं मिल पाती। ओके और यहाँ पे लेसन का समरी है, यानी कि समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे, ये एसे है उसका मतलब यहाँ पे समरी लिख करके आपको दी गई है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, राइट द समरी ऑफ दिस लेसन है कुछ करके आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको मतलब कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर मतलब कि इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको मतलब कि और भी जो लेसन्स है उसके वीडियो मतलब कि आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, पूरा मतलब कि लेसन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर जाएगी धीरे धीरे करके। और आप अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा मतलब कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, और मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के साथ, मीनिंग के साथ बताया जा रहा है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।